नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिस गुरु चैनल में। दोस्तों आज हम एमएस एक्सेल में गूगल शीट में देखने वाले हैं दोस्तों कि हम डेटा वैलिडेशन एक डेटा के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ मोबाइल के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये है मेरे मोबाइल का डिस्प्ले। तो यहाँ पर मैं ईजिली गूगल शीट के ऊपर भी जा सकता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करके, लेकिन मैं जाऊँगा गूगल ड्राइव के अंदर। देखिए, इसे क्लिक करेंगे तो ये गूगल ड्राइव के अंदर जो भी आपकी गूगल शीट से आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक सिंपल डेटा वैलिडेशन के लिए एक शीट ओपन करूँगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे डेटा मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊँगा कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। ये देखिए, ये शीट है दोस्तों। इस शीट में से मुझे अगर ये डेटा जो है इसे कॉपी करना है, तो मैं सिंपली इसे जूम करेंगे और देखिए इसे सिलेक्ट करना है आपको, और आपको सिंपली यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कॉपी इजीली कर सकते हैं। फिर आपको जाना है यहाँ पे और आपकी फाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, और एक बार यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दीजिए तो आपको पेस्ट पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिल जाएगा। पेस्ट कर दीजिए तो ये आ गया आपका डेटा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये मान लीजिए सेल्स ऑफिसर के नाम है या एम्प्लॉय के नाम है। इस टेबल को, इस कॉलम को हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे दोस्तों, ये कॉलम साइज छोटी हो जाएगी। और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे नीचे देखिए टेक्स्ट कीबोर्ड यहाँ पे ओपन होगा। हम यहाँ पे कॉलम का नाम देंगे सेल्स, बस डन पे क्लिक कर दीजिए। और ये सेल्स जो अपडेट करने वाले दोस्तों, हम इस सेल के अंदर, ठीक है, इस पर्टिकुलर रेंज में, तो यहाँ पे एक वैलिडेशन दे सकते हैं कि सेल जो है ग्रेटर देन 50 ही अपडेट करना है आपको। यहाँ पे अगर आपने लेस देन 50 कर दिया तो आपको एक एरर मैसेज आना चाहिए, एक एरर मैसेज या इनपुट मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो वो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं सिंपली यहाँ पे सेल को कलर दे दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम ये सब दोस्तों मोबाइल में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर मुझे ऐसा डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है कि यहाँ पर जब भी हम सेल्स अपडेट करेंगे, वो जो सेल्स नंबर या फिगर रहेंगी वो ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए। देखिए, अगर उससे कम अगर हमने यहाँ पे सेल्स अपडेट किया तो आपको एक एरर मैसेज देना चाहिए, एक मैसेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, चलिए मैं इस पर्टिकुलर एरिया को, रेंज को मैंने सिलेक्ट किया दोस्तों। अभी मुझे जाना है यहाँ पर सिंपली डेटा वैलिडेशन टैब में। डेटा वैलिडेशन कहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ये जो तीन डॉट है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे दोस्तों, फाइंड एंड रिप्लेस, एक्सप्लोरर, क्रिएट अ फिल्टर, डेटा वैलिडेशन। चलिए दोस्तों, डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का एक यहाँ पे बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सेव है, यहाँ पर आपकी रेंज है जहाँ पर आप डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने वाले हैं, और यहाँ पर दोस्तों क्राइटेरिया, आपका क्राइटेरिया क्या है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। इसे सिंपली हम ओपन करके भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर क्या है क्राइटेरिया, कि आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स देनी है, लिस्ट की रेंज देनी है, टेक्स्ट बॉक्स टिक बॉक्स देना है, या टेक्स्ट दैट कंटेन को आपको वैलिडेशन लगाना है, टेक्स्ट दैट डज नॉट कंटेन को वैलिडेशन लगा सकते हैं, एग्जैक्टली टेक्स्ट को लगा सकते हैं, इज वैलिड ईमेल को भी दे सकते हैं दोस्तों। डेट के लिए भी वैलिडेशन है यहाँ पे, डेट ग्रेटर दैन बिटवीन इक्वल टू, उसके बाद नंबर्स के लिए ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, बिटवीन भी है दोस्तों। तो ये सारे वैलिडेशन आप इजीली अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे इस एरिया में अपडेट करना है कि अगर जो भी सेल्स यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ वो ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, अगर लेस देन 50 रहा तो मुझे यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा ग्रेटर देन इक्वल टू 50 को। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक होने के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, वैल्यू ऑफ और फार्मूला, तो वैल्यू मुझे चाहिए 50, करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड जो ओपन हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 50, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये हमारा क्राइटेरिया है। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद देखिए दोस्तों इसे, तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, आपको वार्निंग शो होनी चाहिए या रिजेक्ट इनपुट आना चाहिए, तो हमें चाहिए रिजेक्ट इनपुट ही आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं, और ऊपर के ऑप्शन में देखिए सेव, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो डेटा वैलिडेशन जो आपने अप्लाई किया है इस पर्टिकुलर रेंज को भी अप्लाई हुआ है। चलिए हम एंटर करके देखते हैं इस पर्टिकुलर सेल में हम क्या करेंगे, एक नंबर अप्लाई करेंगे दोस्तों। देखिए तो डबल क्लिक करना है आपको इसके अंदर, अगर मैं नंबर देना चाहता हूँ, अगर मैंने दिया 56 और चेक किया तो ईजीली ले लिया, कोई बात नहीं। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर यहाँ पे मैं 25 अगर अपडेट करता हूँ नंबर और यहाँ पे डन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये देखिए ये आ गया मैसेज, द डेटा दैट यू एंटर इन सेल C3 वायोलेट्स द डेटा वैलिडेशन रूल सेट ऑन द सेल। इस सेल में जो हमने डेटा वैलिडेशन रूल सेट किया वो वही नंबर यहाँ पे चाहिए, उससे अलावा दूसरे कोई नंबर रहेंगे तो यहाँ पे एंटर वो नंबर नहीं होगा दोस्तों। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं 60 लिख दिया, ओके करूँगा दोस्तों, तो देखिए उसने 60 नंबर वो सेल में ले लिया। अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा नंबर अगर टाइप करना चाहते हैं, जैसे कि 15, अगर 15 नंबर लिख दिया तो आपको यहाँ पे फटाक से आ गया एरर मैसेज। इस एरर मैसेज में कहा गया है कि ये नंबर अपडेट नहीं हुआ क्योंकि डेटा वैलिडेशन के विरुद्ध है। तो ये था हमारा आज का सेशन दोस्तों, हाउ टू अप्लाई डेटा वैलिडेशन ऑफ पर्टिकुलर रेंज। तो मैं यहाँ पे दोस्तों इसे सिलेक्ट करके डायरेक्ट अगर नंबर यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया तो ये आपको नंबर लेगा, लेकिन ग्रेटर देन 50 वाले ही नंबर लेगा दोस्तों। चलिए आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फटाफट में नंबर डालने वाला हूँ, 80 डन। देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 90, 68। देखिए दोस्तों ये नंबर्स ले रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे हमने लेस देन 50 अगर नंबर लिखने पर यहाँ पे अगर हमने कोशिश भी की तो आपको मिलेगा मैसेज। देखिए एक नंबर लिखने वाला है 50, जैसे मैं ओके बटन को क्लिक कर, देखिए दोस्तों ये आ गया मैसेज, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का सेशन कि मोबाइल में हम डेटा वैलिडेशन कैसे अप्लाई करते हैं, वो भी गूगल शीट के ऊपर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा सेशन, ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।